कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में तोड़फोड़। जिला कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़, यह घटना से हड़कंप मच गया। सुबह जब एक पदाधिकारी पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उनको फर्नीचर टूटा पड़ा मिला और नेताओं के पोस्टर फटे मिले। उन्होंने तत्काल जिलाध्यक्ष को जानकारी दी, पुलिस को तहरीर दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद कुंबर ने एक सर्राफ पर आरोप लगाए हैं। गुरहट्टी चौराहे पर जिला कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है, जहां लोगों ने तोड़फोड़ की है। जिला कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव राजेश पाल पार्टी ऑफिस से कुछ अभिलेख लेने पहुंचे तो वहां पूरा दफ्तर का सामान टूटा मिला। कुर्सी मेज जहां तहां टिकी मिली तो वहीं पार्टी नेताओं के पोस्टर बैनर फटे मिले। कल इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर को दी गई, जिस पर उन्होंने पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद इसे साजिश के तहत ऐसी कार्यवाही की बात कही। उन्होंने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, जिसमें एक सर्राफ की दुकान के मालिक पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही को कहा है। आरोप लगाया है कि सर्राफ इस प्रॉपर्टी को कब्जाना चाहता है, इसलिए उन्होंने ऐसा काम कराया है। मेरा नाम विनोद गुंबर है, कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और अभी डीएम साहब के कार्यालय से एक हम पे नोटिस चुनाव से संबंधित आया था। उसको प्राप्त करने के लिए मैंने अपने ऑफिसर राजेश पाल को यहाँ भेजा। राजेश पाल जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव है। जैसे ही उसने जीने का ताला खोला, ऊपर आया तो ये अंदर नहीं गया। इन अंदर वहीं से मुझे फ़ोन कर दिया कि भाई साहब आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर कुछ मुझे पार्टी कराने में तोड़फोड़ सी कुछ नजर आ रही है। मैं तुरंत आया, देखा ऑफिस की सारी कुर्सियाँ तितर बितर हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं, मेज उल्टी सीधी है, दरवाजे खुले हुए हैं, बिजली के जितने कनेक्शन हैं उनके सारे बोर्ड टूटे हुए हैं, वॉशरूम की शीट टूटी पड़ी है और बाहर जो छज्जा है छज्जे का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और जैसे ऊपर दीवार है, दीवार से बहुत सारी मिट्टी ऐसे करके नीचे फेंकी गई है जैसे उसको किसी चीज़ से खोदा गया। और हमारा इसका विवाद नीचे एक वीके ज्वेलर्स वाले हैं, आकाश रसोगी, वो इस संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। 70 साल से ये पार्टी का ये कार्यालय है। मेरे से पहले करीबन 10-12 और जिला देख रहे हैं और वो चाह रहा है कि ये ऐसी इसको मैं जर्जर अवस्था में दिखा के ये इनसे खाली करा लूँ। 70 साल से हमसे कोई भी इसका हमसे उसमें किराया नहीं ले रहा है। ये आकाश रसोगी एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। नीचे जितनी दुकानें हैं इन सब दुकानदारों को डरा कर धमका कर ये उनके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि मैं इसके ऊपर ही कब्जा कर लूं। अभी 5-7 दिन पहले जैसे मुझे ज्ञात हुआ है अभी कि ये वहाँ पर ये गया नगर निगम में किसने एप्लीकेशन दी कि ये सारी संपत्ति मेरी है और ये सारी की सारी गिराई हालत में और ये वाली सारी दुकानें मतलब खाली कराई जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक दफ्तर 70 साल से जो हमारे पास है, हमसे कोई पार्टी इसका आज तक किसी ने इसका हमसे आज तक ना कोई हमें भेजा नोटिस भेजा है, ना ही किसी ने ये कहा है कि ये वाला ऑफिस किसका। मुझे करीबन 8 महीने हो गए जिलाध्यक्ष बने को और मेरे से पहले आपके ए पी सिंह थे, वो 8 साल अध्यक्ष रहे। उनसे पहले देशराज शर्मा थे, वो 8-9 साल रहे। उससे पहले आपके अजय सारा सोनी थे, वो सब रहे हैं। देशराज शर्मा जी, सोनी जी और आपके शिवेंद्र त्यागी, फूल कुमार जी, जीने का जब ताला खोला तो राजेश पाल ने ऊपर आके मुझे तुरंत फोन कर दिया कि भाई साहब ऑफिस की सारी कुर्सियां और मेज तितर बितर पड़ी है, टूटी भी, उसके अंदर 4-5 कुर्सियां टूटी हुई हैं, बाकी सब उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं। ये इसके ऊपर ये आपका वीके ज्वेलर्स का मालिक आकाश रसोगी इस पे कब्जा करना चाहता है। उसके दिमाग में ये है कि इसका पार्टी का किराया इसका कोई भी मतलब लैंडलॉर्ड नहीं है तो हम ही इस पे कब्जा कर लें। फर्जी उसने कागज बना रखे हैं। अगर वो उसका मालिक है तो वो हमसे इसका मतलब किराया क्यों नहीं लेता और आज तक उसने हमें नोटिस क्यों नहीं भेजा। ये जिस प्रकार से वो हरकत कर रहा है ये अच्छे व्यक्ति के नहीं है। ये व्यापारी के रूप में एक बहुत बड़ा भूमाफिया है। ये बिल्कुल पार्टी कराने पे जो ये इसने हालात किए हैं, ये आप देखिए सामने है, बिजली की सारी तारे इन्हें इसने तोड़ दिए। कोई हमें भाई नीचे दुकानदार पानी का कनेक्शन देता है
तो वो आगे मतलब काट देता है, कोई हमें उस बिजली का कनेक्शन देता है। अभी मैंने इसमें नया बिजली का कनेक्शन लगवाया प्रीपेड, तो इसने हमारे पीछे से जब वो तार यहाँ पे जोड़ने आए तो इसने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। यह 20 या 25 फरवरी को एक तहरीर मैंने कोतवाली में दी, उसमें तहरीर थी कि ये एक बहुत बड़ा भूमाफिया है, ये जमीन अगर इसकी है, ये अगर इसकी है तो ये हमसे मतलब किराया क्यों नहीं लेता और हमें उसको नोटिस क्यों नहीं देता। ये हमारा बिजली और पानी नहीं रोक सकता, हम इसके अंदर 70 साल से हम इसके अंदर बैठे हैं। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद लग गया कोरोना हो गया, हम भी आपका लॉकडाउन हो गया। और अभी 3 दिन पहले नी और जी पर हम लोगों ने हमने ज्ञापन दिया था, मैं खुद स्वयं यहाँ पर था और 1:30 बजे के आसपास मैं ऑफिस को बंद करके गया हूँ। एक एक कुंडी अपने हाथ से लगाई है, इसके अंदर झाड़ू पोंछा कुर्सियों को अच्छी तरह जोड़ के रखा है मैंने। देखिए मौके पर मैं गई थी और कुछ छोटा मोटा ट्यूबलाइट और पंखे के टूटने की बात है और घटना का संज्ञान ले लिया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, तो घटना का संज्ञान ले लिया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।